नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। प्रचंड गर्मी का सितम लगातार दूसरे दिन भी जारी है। नौतपा का ये तीसरा दिन है और पारा जो है 51 डिग्री सेल्सियस जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज किया गया है। कल हाथरस जनपद में जो है 49 से 50 डिग्री के बीच में जो है पारा रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में तन झुलसा देने वाली गर्मी से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त था ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो है प्रकृति की वो फसलों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जायद की फसलों में दलहन तिलहन बाजरा मक्का तिल व खरबूजे तरबूजे की फसल को भी अच्छा खासा जो है नुकसान इस प्रचंड गर्मी से झेलना पड़ रहा है। एक और जहाँ पर मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो वहीं जो है आलू के दाम भी अब जो है सातवें आसमान पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आलू किसानों को इस वर्ष जो है अच्छा खासा फायदा जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। प्रचंड गर्मी के बावजूद आलू के रेटों में आज 50 से 100 रुपये प्रति पैकेट की तेज़ी जो है लोकल से लेकर दक्षिण भारत की मंडियों में दर्ज की गई है। साथ ही 20 से 50 रुपये प्रति पैकेट की बढ़ोतरी आज जो है बंगाल में जो है दर्ज की गई है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है तेज़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि बंगाल में इस बार उम्मीद से काफ़ी कम आलू उत्पादन हुआ और उस पर भी भारी बारिश ने जो है वहाँ पर पूरी फसल को साल भर जो है चौपट किए रखा। ऐसे में इस समय पर वहाँ पर जो है दागी आलू किसानों और कोल्ड मालिकों के साथ साथ व्यवसायियों की चिंता का सबब भी बना हुआ है। इसके साथ ही काट छांट करने के बाद में वो आलू भी अब जो है 1150-1180 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर जो है पहुंच गया है। बंगाल व्यवसायी समितियों और कोल्ड स्टोरेशन एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार अगर उनकी बात पर विश्वास किया जाए तो आने वाले दिनों में बंगाल में आलू जो है 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है एक सप्ताह के अंदर जो है पार करने की संभावना है, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट जो है पश्चिम बंगाल में आलू के दामों पर जो पड़ा है वो मौसमी घटनाओं की वजह से पड़ा है। क्योंकि उत्तर भारत में आप देख रहे हो एकाएक प्रचंड गर्मी 51 डिग्री तापमान जो है आग सी बरस रही है, और वहीं बंगाल में मौसम बिल्कुल जो है ठंडा हो चुका है। ऐसे में आलू की खपत तो बढ़नी बढ़ रही है। अब कुछ कहेंगे सोनू भाई ये ठंडा कैसे हुआ? अबे भैया, अखबार पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, मोबाइल आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, सारे यूट्यूबर आपको जागरूक कर रहे हैं। रैमल चक्रवाती तूफान की वजह से वहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है बारिश देखने को मिली है, और बारिश मौसम ठंडा हुआ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हरी सब्जियों को हुआ है। जब हरी सब्जियों को नुकसान होता है तो स्वाभाविक रूप से सभी की निर्भरता जो है आलू पर ही आधारित होकर रह जाती है, तो आलू के दामों में तो इजाफा होना ही होना है। अब जब बंगाल में आलू में तेज़ी देखी जा रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है, अब तेज़ी का नाम सुनते हैं कुछ लोगों के पिछवाड़े तक सुलग उठते हैं। भाई ऐसे लोग जो हैं कोढ़ हैं, कोढ़ रोगी हैं। अब इनके बारे में कहा क्या जा सकता है? इन्हें तेज़ी अच्छी नहीं लगती है, इन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि इनके तेज़ी का नाम सुनते ही पाइल्स की बीमारी हो। अब किसान साथियों देखियो, हर व्यक्ति जो है इस समय पर तेज़ी के मूड में बैठा है, और तेज़ी जो है मिल भी रही है, और तेज़ी आने वाले दिनों में आगे भी मिलेगी। जिस तरीके से मौसमी घटनाओं में इजाफा हो रहा है उससे तेज़ी की संभावनाओं के पूरे पूरे द्वार जो है खुल रहे हैं। इस समय पर कोल्ड स्टोरेज वाले आलू जो है दक्षिण की भारत की मंडियों में अगर हम एक रिपोर्ट पर विश्वास कर लें तो जो है 38 रुपये प्रति किलोग्राम तक थोक भाव में आलू बिक रहा है। और वही आलू जब आप कहते हो कि भाई हमारा 38 रुपये किलो का भाव चल रहा है, तो यही व्यापारी और जो सप्लायर हैं जो मंदी में बैठे रहते हैं, या उस मंदी में खैर छोड़िए, ये उस पर कमीशन खोरी अच्छी लेना चाहते हैं, तो वो जो है भावों को भी गिरा के बताते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो देखिए सुनिए, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो मैंने इन मंदड़ियों और जो ट्रेडर्स जो कि आढ़तिया जो खुद को बड़ा स्वघोषित किसान है तेजी बताते हैं। 38 रुपये किलो मदुरई और चेन्नई और तिरछी में आलू बिक रहा है, लेकिन रिपोर्ट डाल रहे हैं 29 से 32 रुपये की। शरम नाम की चीज़ नहीं है, शरम खा बेच खाई है। सुन लीजिए रिकॉर्ड, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं हम जो कहेंगे ना उस पर आप विश्वास नहीं करते हो। आप किसानों के जो दिमाग में आप फितूर बैठा हुआ है ना, आप किसान लोगों के वो आप फितूर निकाल दो। ये कोल्ड मालिक और व्यापारी और सप्लायर मिलकर आप लोगों का खुलेआम शोषण कर रहे हैं, और अगर हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आज आपका 1600-1800 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है हमारी वजह से अगर बिक जाए तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? निश्चित तौर पर फ़ायदा आप किसानों का होगा,
हमारा तो हो नहीं रहा है क्योंकि हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं, और ताकि आपका आलू अच्छे रेट पर बिके तो हमारा भी आलू अच्छे रेट पर बिके। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका आलू कैसा भी सही, मैं ना हाइब्रिड में जा रहा, ना मैं जो है शुगर फ्री में जा रहा, ना मैं जो है आपका जूट में जा रहा, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, आलू आपका 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और लिख लो इस बात को, कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अकेला इकलौता तुम्हारा भाई इस बात को खुले मंच पर कह रहा है कि आप अपनी आँखों के सामने इसी वर्ष, और कई अक्टूबर की महीने की कहते हैं, कई सितंबर की महीने की कहते हैं, कई अगस्त की महीने की कहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका आलू जून जुलाई में 1800 का भी आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। इसका सीधा इफेक्ट जो है लालिनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत में नौतपा का आज तीसरा दिन है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उत्तर पूर्वोत्तर में जो है भारी बारिश जो है जो फसलों को बर्बाद कर रही है, तो गर्मी यहाँ पर फसलों को बर्बाद कर रही है। दक्षिण भारत में आलू की फसल नहीं है, सब्जियाँ वहाँ पर भी बर्बाद हैं, तो कुल मिला के आलू अच्छी रेटों पर बिक रहा है। मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग की कहा है, आप कॉल रिकॉर्ड सुन लीजिए और अपने आप तय कीजिए, ये सोनू चौधरी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सोनू चौधरी अपनी बात पर, जब तक आपका आलू 1600-1800 प्रति कट्टा नहीं बिक जाएगा, तब तक इसी दंगे की चोट पर भूलता रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और तेजी तुम्हारे मुंह में से हलक में से निकाल दी जाएगी जो किसानों को तुम बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हो। देखिए सुनिए किसान साथियों, और सुन लो कोल्ड मालिकों, सुन लो दलाल टाइप के आड़तियाओं, तुम्हारी औकात सोनू चौधरी जूते की नोक पर रखता है, जो तुम किसानों को बर्बाद करने की नियत रखते हो। आलू चल चल बिक क्या रहा है और तुम देख क्या रहे हो, रिपोर्ट भी फर्जी डाल रहे हो ताकि किसान सस्ती दरों पर आलू बेच जाए और माहौल खराब हो जाए। सुन लीजिए किसान साथियों। हेलो यार, काहे को यार एक बार बताओ, बकवास क्यों कर रहे हो यार ग्रुप में, क्या हुआ अभी साहब? भाई साहब हम आपसे बोल रहे हैं ना, आप ट्रेडर हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों के ग्रुप में आप अपना जो मार्केट है वही बोलना ना। मार्केट आप एक कर्नाटका का, एक बंगलोर में अगर एक मंडी डाउन हो गया तो साउथ का कौन सा डाउन हो गया बताओ? 100-150 रुपए डाउन है सब जगह, ये बोलो आप। मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट में अभी तेजी आएगी, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं आएगी। देखो मैं मेरा आगे जाके अच्छा है, आलू का पोजीशन अच्छा रहेगा। तिरछी में बिका 37-38 रुपए, किसको बोल सकते हैं हम लोग? में बिका 35 रुपए, सब आपको नहीं पता चलेगा। किसानों का इसमें फर्क पड़ता है, धोखा होता है, किसान समझते हैं आज गर्म और कल और टाइट हो जाएगा, परसों और टाइट हो जाएगा, इस चक्कर में आलू बेच नहीं पाते। नहीं अबे हम कौन होते हैं आलू बेचवाने वाले, नहीं बेचवाने वाले, किसान अपने उससे बेचेगा, क्या करते हैं आखिर में, फेंकवाना पड़ता है, कुछ नहीं होता है बड़े भैया, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। अगर आज किसान को अच्छा दाम मिल जाए, मैं कह रहा हूँ गारंटी के तौर पर 1400 का दाम अगर किसान को आज कोल्ड स्टोर में मिलने लग जाए तो वो तुरंत निकालेंगे अपने आलू को, वो नहीं रोकेंगे। लेकिन अभी मिले तो ना, अभी 900 भाई साहब आप मुझसे शर्त लगा लो, मैं कह रहा हूँ कोल्ड स्टोर पे 1600-1700 रुपए कट्टे के दाम हो जाएंगे, लेकिन 2000 बिकेगा मई में से, मेरे साथ शर्त लगाओ 2000 पे बिकेगा इस बार। कॉल रिकॉर्ड सुनने के बाद में अब आप पूर्ण रूप से विश्वास हो गया होगा आप लोगों को कि जो है सोनू चौधरी कभी जो है आपके सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देगा। यहाँ पर सिर्फ किसानों का हित देखा जाता है, और किसानों को 100% फायदा कैसे मिल रहा है इसे भी सभी किसान जानते हैं। कई लोग तो मंसूबे पाले हुए थे 1000 रुपये प्रति कट्टा के नीचे आलू बिकने के, और ये आप और हमारे सहयोग से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं पाए, और यही वही कारण है कि ये जो है कोल्ड अम्बो में आप जाते हो तो सोनू की बुराई सुनते हो व्यापारी और कोल्ड मालिकों के मुँह से। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं, और जो देखिए बुराई हमेशा किसकी होती है, अच्छा काम करने वालों की। यदि आज हम आपके हित में अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें गालियां भी मिलेंगी और जो है उलाहने भी मिलेंगे, लेकिन ये दल्ले किस्म के लुटेरे ये भूल जाते हैं कि ये सोनू चौधरी है, जूते की नोक पर रखता है तुम जैसे लीचड़ों को, क्योंकि हम जो कहेंगे वो डंकी की चोट पर कहेंगे, हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलती है, किसी का बाप नहीं मेट सकता है, और रोक के दिखा देना तेजी। और तुम्हारे 4 तारीख में जो आप लोगों का आडंबर रचा हुआ था ना कि 4 तारीख में चुनाव के बाद में ये होगा, चुनाव के बाद में आलू गिर जाएगा, आलू के भाव गिर जाएंगे, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसा जाएगा, लो मादर चोदो, ये है तुम्हारी औकात। देखो आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, 1600 रुपये प्रति कट्टा तुमने किसानों को बर्बाद करने की चेष्टा की है, यकीन मानिए किसान साथियों, क्योंकि मुझे इस समय पर सर्वाधिक गुस्सा इन हरामखोरों पर आ रहा है जो कि आप लोगों को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हैं। चले किसान साथियों, साउथ में इस समय पर आपने कॉल रिकॉर्ड के बारे में आप आश्वस्त हो गए कि भाव क्या चल रहे हैं, तो इसमें आप कोई
दो राय नहीं है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड क्वालिटी का आलू जो है आपको 1100 1150 रुपये में बताकर खरीदा जा रहा है, वही आलू वहाँ पर जो है 30-32 रुपये किलो की दर पर जो है बिक रहा है, और फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी 38 रुपये किलो तक थोक भाव में बिक रही है। तो कितना बड़ा कमीशन जो है आप आलू किसानों से ये लोग जो हैं खुलेआम दिन दहाड़े लूट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों का बेहद सतर्क रहना आवश्यक है, और इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए, ताकि इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएँ। अब किसान साथियों, बंगाल से हम शुरुआत करेंगे। बंगाल में आज जो है तेजी की सुबगहाट जो है देखने को मिली है। अब देखिए, कई कई जगह पर तो आलू जो है 1200 1250 भी क्रॉस कर गया, बढ़िया सुपर VVIP क्वालिटी का, जिसे फुल डाला बोलते हैं। और जो नंबर दो क्वालिटी का है वो देखिए मैमारी में 1140 रुपये से लेकर 1160 रुपये प्रति पैकेट, कुमरुल में 1160 रुपये से लेकर 1180 रुपये प्रति पैकेट, टर्केश्वर में 1160 रुपये से लेकर 1180 रुपये, बौंची में 1140 रुपये से लेकर 1160-70 रुपये प्रति पैकेट। मैमारी की बात करेंगे, मैमारी की तो हो गया किसान साथियों, बात करेंगे कालना की, तो कालना में 1150 रुपये से बढ़कर 1170-80 रुपये तक हो गया। वहीं अगर हम नॉर्थ बंगाल की बात करें, तो नॉर्थ बंगाल में यही आलू जो है, जो कि वर्षा से पहले वाला था बढ़िया क्वालिटी का, वो आलू जो है 1200 रुपये से लेकर 1250-60 रुपये प्रति पैकेट, ज्योति टॉप क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर, हल्के वल्के नहीं। और कई लोग इस भाव को सुनकर बहुत ज़्यादा तिलमिला जाएंगे बंगाल के, लेकिन तिलमिला जाओ मेरा क्या कर लोगे, जूते से और मारूंगा, क्योंकि मैं बंगाल में एक महीना गुजार के आया हूँ और बंगाल की वास्तविक ग्राउंड जीरो से सभी को दिखाई है। तुम लोगों की सारी धज्जियाँ उड़ा के मैंने रख दिया, और तुम्हारे सारी करतूतें किसानों के सामने हैं, ऑल इंडिया के। तुमसे बड़ा नालायक को कोई झूठा नहीं मिलेगा इस देश में, जो तुम किसानों को बेईमान किस्म के व्यवसायी के बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हो। बीज लें तब उस पर कमीशन खोरी, आपको आलू दें तब उस पर जो है आप सस्ती दरों पर खरीदो, और जो किसान को पूरी तरीके से निचोड़ लो सुनारों की तरह से। ये अब चलने वाला नहीं है, सोनू चौधरी है। अगर हुगली की बात करें किसान साथियों, हुगली में आज जो है 1180 रुपये से लेकर 1210 रुपये प्रति पैकेट तक ज्योति आलू बिके हैं। बंगाल में जो है कलकत्ता में 1240 से लेकर 1280 रुपये प्रति पैकेट ज्योति में क्वालिटी वाला आलू में बिका है। और अगर बात करें K22 की, तो K22 तो रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है, 1310 रुपये से लेकर 1340 रुपये प्रति पैकेट तक जो है K22 जो है आलू का यहाँ पर जो है भाव रहा है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं आप जो है आप लोगों के लिए कुछ मंडी भावों की, क्योंकि मंडी भाव भी आप लोगों के पास में होना बेहद ज़रूरी है। हैदराबाद की मंडी की बात करें किसान साथियों, हैदराबाद की मंडी में आज जो है आलू 26 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं, एक आध लॉट जो है 30 रुपये किलो की दर पर भी बिके हैं। हाइब्रिड आलू की बात करेंगे, जो कि हाइब्रिड आलू 302 है, टॉप क्वालिटी यहाँ पर बिकी 28 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये प्रति किलो की दर पर, और सेकंड ग्रेड हाइब्रिड 302 जो है 27 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो, थर्ड ग्रेड 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, मैंने तीनों क्वालिटी के रेट बताए हैं। किसान साथी, गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे, तो बढ़िया क्वालिटी गुवाहाटी की मंडी में आगरा के 25 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो, और अगर हम बात करें फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद के 23 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये और 26 रुपये किलो की दर पर आज जो है बिके हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, कानपुर मंडी में आज जो है गुल्ला आलू जो है सुपर क्वालिटी का, वो 15 रुपये किलो से लेकर 17.5 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, जबकि हल्के गुल्ला जो है 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों, जो कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो, और अगर हॉलैंड की बात करें, तो हॉलैंड आलू जो है 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक, और अगर हम यहाँ पर R1 आलू आज आया है, R1 आलू का 18 रुपये किलो से लेकर 19-19 रुपये किलो तक का आज जो है बाजार रहा है। मुंबई मंडी में आज जो है रिकॉर्ड 1 से 1.5 रुपये किलो की तेज़ी देखी गई है। आज यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का आलू 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो, एक VIP लॉट पहुँचा है वो 26 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिका है। हाइब्रिड आलू यहाँ पर 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो, और मध्य प्रदेश का ज्योति 24 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 26 रुपये किलो की दर पर जो है बिके हैं। किसान साथियों, जोधपुर में आज आलू जो है आगरा के 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। बेंगलोर मंडी में आज जो है 2 रुपये किलो की उछाल देखी गई है, बढ़िया आलू टॉप क्वालिटी 27 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो की दर पर जो बिके हैं, और हल्की क्वालिटी के 37-97 जो हैं 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की किसान साथियों दर पर बिके हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों के जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज जो है
20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक में आलू बिके हैं। एक लॉट जो है 22 रुपए किलो तक बिका है, जो सुबह सुबह बिक गया है, बाकी जो है अच्छी दरों पर आज जो है बिक्री हुई है। और अगर हम हॉलैंड आलू की बात करें तो हॉलैंड आलू यहाँ 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, जबकि हल्के हॉलैंड जो है 21 रुपए किलो की दर पर जो है 20 रुपए से नीचे में 20 है, ऊपर में 21 रुपए किलो तक बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए मदुरई मंडी की, क्योंकि मदुरई मंडी के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि 38 रुपए किलो तक बिके हैं, और सेकंड ग्रेड आलू जो है 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर जो है बिके हैं। चेन्नई मंडी में सेकंड ग्रेड आलू 27 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर, और थर्ड ग्रेड 27 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर जो है बिके हैं। तिरछी की मंडी में किसान साथी बात करेंगे बढ़िया क्वालिटी के आलू जो है 36 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो तक हैं टॉप क्वालिटी, और जो सेकंड ग्रेड क्वालिटी है वो 30 रुपए किलो से लेकर 31-32 रुपए किलो, और थर्ड ग्रेड क्वालिटी 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है आलू बिक्री हुए। ये काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी सुखद भी है कि इस तरीके के रेट जो हैं आपके देश में चल रहे हैं, मंडियों में चल रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है जो दाम आप किसानों को मिलने चाहिए वो किसान आपको ना मिलकर वो जो हैं बिचौलिए जो हैं इसे हड़प ले जाते हैं। अब बिचौलियों का तात्पर्य कुछ आढ़तीय भी हैं, कुछ जो हैं दल्ले कोल्ड मालिक भी हैं, कुछ दल्ले जो है सप्लायर भी हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनकी लोकल की मंडियां हैं और साउथ की मंडियां नहीं हैं। अब उन्हें किसान जो हैं इतने जागरूक हो चुके हैं कि स्मार्टफोन हाथ में है, वो सभी जगहों की कैलकुलेट डाटा कर लेते हैं, उन्हें पता पड़ जाती है, तो वो जो है आलू नहीं देते हैं। और ऐसे में मैं किसान साथियों आप सभी से यही कहूँगा, बार बार पुनर्आग्रह करूँगा कि आप जो हैं आलू को अपने हाथों में रखिए, आलू बिल्कुल भी मत बेचिए, क्योंकि ये तपो नौ चल रहा है ना, ये 9 दिन का नौतपा, तो निश्चित तौर पर जितनी प्रचंड गर्मी नौतपा में पड़ेगी और उतने ही भयंकर बारिश आप लोगों को आने वाले 10 जून से जो है देखने को पूरे देश भर में मिलेगी, जिससे सब्जियों की फसल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा, तो आलू पर निर्भरता बढ़ेगी। जब निर्भरता बढ़ेगी तो आलू के दामों में अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किसान साथियों मैं आप लोगों से एक आग्रह और निवेदन यही करूँगा कि देखो मोटा आलू जब 1600-1800 होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप तब बेचना, लेकिन इस समय पर गुल्ला और किर्री आलू अच्छे रेटों पर बिक रहा है। जितना मोटे अच्छे रेटों पर नहीं बिक रहा, उससे अच्छे रेटों पर जो है किर्री गुल्ला आलू बिक रहे हैं, जो कि गोली और गुल्ला बोला जाता है। ऐसे में यदि आप जो है इसको आलू को निकालना चाहें तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आलू में डेंस्टिटेशन यानी अपार संभावना है मोटे आलू के दामों में बढ़ने की, लेकिन इसके इतर किर्री गोली और जो गुल्ला ये आप लोगों के लिए उचित समय है निकालने का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद में किर्री गुल्ला के कोई भाव नहीं रहते हैं। जो किसान इस बात को पाले हुए हैं कि गुल्ला जो है 900-1000 बिक सकता है, किर्री जो है 600-700 बिक सकती है, तो देखिए किर्री के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गुल्ला के बारे में कह सकता हूँ कि 850 तक जो चल रहा है वो 1000 रुपये प्रति कट्टा तक जो है पहुँच सकता है और बिक भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गोली का कोई मार्केट नहीं होता है, गोली तो गोली होती है, दे गई तो मीठी और नहीं दे गई तो फिर जो है ज़मीन पर। तो ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि किर्री को तो जल्दी से जल्दी निपटारा कर दो, क्योंकि इस समय पे इसके दाम जो है 550 रुपये से लेकर 650 रुपये तक की दर पर चल रहे हैं, और कहीं कहीं जो है 700 भी खरीदी जा रही है। तो ऐसे में मौके पर चौका किर्री पे तो लगा दो, गुल्ला मोटे को तो आप जो है अपनी विवेक से बेचना, लेकिन मोटा मेरे विवेक से बेचना, मैं आप लोगों से दावे के साथ कह रहा हूँ, गुल्ला अपने विवेक से और मोटा मेरे विवेक से, जब मैं कह दूँ आप जो है उसी समय पर आलू लगा लीजिएगा। और ये कदापि समय नहीं है आलू बिक्री करने का, जून जुलाई में ही आप जो है आलू की बिक्री करें, अगस्त में करें और निश्चित तौर पर फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है मैं आप लोगों को बता दूं हसन में पहली बार इस बार आलू लग ही नहीं रहा है, और जो भी लगेगा वो सिर्फ चिप्स वाला और वेफर वाला आलू लगेगा, ना कि राशन वाला। और भगवान ने चाहिए अगर बारिश ज़्यादा हो गई, हालांकि नुकसान हम किसी का नहीं चाहेंगे, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हसन का आलू लगता है वहाँ पर जो है बरसात और जो है धूप कब निकल आए कोई अता पता नहीं रहता है, ज़्यादा गर्मी भी बीज को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ज़्यादा बारिश जो है आलू को बहा भी सकती है। तो दोनों ही सूरतों में हसन में आलू ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, इसे किसी भी एंगल से नहीं देखना चाहिए। और मैं आप लोगों के सामने दावे के साथ कह रहा हूँ, आड़तियाँ भी इस बात को अब दबे मन से स्वीकार करने लगे हैं कि आलू 1800 तो बिकना ही बिकना है, और
इस समय पर आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी कोल्ड मालिक, किसी भी व्यापारी ने अपना आलू नहीं निकाला है, सब आप लोगों के ऊपर ही क्यों नजरें जमाए हुए हैं, क्यों आपके ऊपर दांत गड़ाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि आप लोगों से जल्दी आलू निकलवाया जाए। अभी आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 27% के पार जो है निकासी हर जिले में जा चुकी है और कोल्ड स्टोरेज भी उत्तर प्रदेश में 70% नहीं भरे गए थे। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा खिसियाहट हो रही है कि सच्चाई क्यों बता रहे हो किसानों को, किसानों को भ्रम में रखो, क्योंकि पिछली बार 10% की निकासी भी नहीं हुई थी मई के महीने में, तो वो लोग इस चीज़ को 10% से ही आँख के चल रहे हैं, जबकि मार्च के महीने से ही कोल्ड स्टोरेज के गेट लोड नहीं हुए थे, उसी समय से ही अंधाधुंध धड़ाधड़ लोडिंग जो है बदस्तर जो है देश भर की विभिन्न मंडियों की ओर चल रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा मेन फैक्टर था कि दक्षिण भारत में कोलार, डिम्बिम, ऊटी की फसलों का नष्ट होना, भारी बारिश जब हुई थी और जो है उसके बाद में इस बार डंप जो है काफ़ी कम समय तक चले, तो ऐसे में धड़ाधड़ कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग हुई और लोडिंग एक जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया और जो है निकासी हर एक कोल्ड स्टोरेज में से लगभग किसी में से 60,000 की हो गई, बड़े कोल्ड स्टोरेज में एक से डेढ़ लाख तक की निकासी हो गई। तो कुल मिला के निकासी इस बार जो है काफ़ी बढ़िया रही है। मई के महीने में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि 30% तक की निकासी हो जाएगी। यूं तो किसानों को बर्बाद करने के लिए तमाम लोग जो हैं कुचक्र कुप्रयास करते रहते हैं, किसी तरीके से किसानों को बरगलाओ और उनका आलू जो है अपने हाथों में लो, जिससे उस पर अच्छा खासा जो है मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन यहाँ पर सोनू चौधरी बैठा हुआ है जो आप लोगों को जड़ से उखाड़ कर सच्चाई दिखा देगा कि ये स्थितियाँ हैं। ऐसे में आप सभी लोग बेधड़क, निर्भीक और जो है बिना घबराहट में आए चुपचाप अपने घर पर बैठो, जिससे आने वाले समय में जब बारिश ज़्यादा हो, सब्जियों की नष्ट जो विभीषिका ख़त्म हो, तो आपका आलू जो है 1600 रुपये से लेकर 1800 प्रति कट्टा का आंकड़ा छुए और आपको उसके दाम मिले, ताकि आपकी जो नुकसान 3-4 सालों से आप किसानों को उठाना पड़ रहा है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो अन्य फसलें हैं वो भी ना आए, तो आपका आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में आप सिर्फ अपने समय का अनुकूल होने का इंतजार कीजिए और जैसे ही समय अनुकूल होगा मैं आपको बताऊँगा कि ये आलू का निकालने का समय है, लेकिन फिलहाल गोली निकालने का तो पर्याप्त रूप से समय है। आप किरदी गुल्ला को जो है अपने विवेक से जो है बेच सकते हैं, हालांकि गुल्ला मेरी नज़र में 1000 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा भी छू सकता है, तो ऐसे में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस समय पर आप देख रहे हैं माहौल देश भर में क्या है, चारों तरफ प्रचंड गर्मी ने जो है आलू के रेटों में भी आग लगा दी है और निश्चित तौर पर इसका जो बेनिफिट है वो आप लोगों को एक ना एक दिन भगवान ने चाहे तो मिलेगा। ये मंदड़िया जो है अपनी मुँह की खाएंगे।